झारखंड में एक बार फिर भूख की मौत की राजनीति तेज होती दिख रही है। देवघर के मोहनपुर इलाके के भगवानपुर गांव में एक शख्स की मौत हो गई। कहा जा रहा है कि व्यक्ति की मौत भूख के कारण हुई। उधर झारखंड के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय के मुताबिक विभाग की 4 सदस्यों की टीम ने देवघर में जाकर पड़ताल की, जिसमें यह पाया गया कि यह एक स्वाभाविक मौत है। अगर कोई मौत होती है तो उसको सीधे भूख से जोड़ देना ठीक नहीं है। विभाग से संबंधित खबरें आ रही थीं और कई कमियां उजागर हो रही थीं कि राशन वितरण की जो प्रणाली है उसमें खामियां हैं, और ये भी आरोप आया कि इसके कारण से कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई है। तो इन सबों की छानबीन विभाग स्तर से भी हुआ है और मैंने अन्य स्रोतों से भी जानकारी की है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि इस प्रणाली में खामी की वजह से कोई मौत हुई है। मंत्री जी की दलील पर राज्य की राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा है और मुख्यमंत्री रघुवर दास से इस्तीफे की मांग कर रहा है। जब से रघुवर सरकार आई है, चाहे जितने भी सरकार यहाँ पर आई, आज झारखंड आंदोलनकारियों को, झारखंडियों को आज जो हक अधिकार मिलना चाहिए हमको लगता है नहीं मिला। आज हम लोग अलग राज करके भी आज महसूस कर रहे हैं कि अलग राज हम लोग का अधूरा, रघुवर सरकार का पुतला जला है। हम लोग राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग को लेकर के पूरा झारखंड बंद करेंगे, उसके बाद वो फिर लंबी लड़ाई हम लोग का चलेगा कि जब तक यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होगा, रघुवर सरकार बर्खास्त नहीं होगा, हम लोग लड़ाई अपना जारी रखेंगे। झारखंड में भूख से हुई मौत की खबर और फिर मंत्री जी की बयानबाजी ने राज्य की जमीनी हालात को सामने ला खड़ा किया है, जहां भूख से हुई मौतों पर लीपापोती भी हो रही है और सियासत के दाव पेंच भी खूब खेले जा रहे हैं। रफी सामी, APN रांची।